साइट्स, हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में पूछा गया था, जैसे ताजमहल किसने बनाया, ये भी क्वेश्चन था, शाहजहां ने बनाया है, तो ये क्वेश्चन था, और भी दो तीन नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ सवाल था, जनजाति के वगैरह बारे में, ट्राइबल पीपल के बारे में क्वेश्चन था, हारमोनिका आया था, एमपी का एक नृत्य था वो, और एक था गुलाबो कुछ करके नाम है उनका, आइडियम कौन सा, द एप्पल वन साइज, इस तरह का कुछ था क्वेश्चन, एप्पल ऑफ वन साइज। नमस्कार दोस्तों, आज एसएससी एमटीएस के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है, कैंडिडेट लोग गेट से बाहर निकले, उनसे हम पूछेंगे कि कैसा कैसा सवाल आया था और उसका क्या लेवल था। एग्जाम तो अच्छा रहा, हम सीजीएल का स्टूडेंट है तो अभी पहला बार एमटीएस देने आ गए थे, तो अच्छा गया, तो आसान तो होगा ही। कितना आपने अटेम्प्ट किया? मैंने बस जीएस में 3 अटेम्प्ट नहीं किया, बाकी सब हुए, सारा अटेम्प्ट किया। मैथ में मतलब दो तीन क्वेश्चन अच्छे थे और रीजनिंग ईजी थी, उसके बाद इंग्लिश में भी बोलेंगे दो तीन क्वेश्चन अच्छा था, बाकी सब वैसे ही, जीएस तो जानते हैं। अच्छा, कुछ एक दो जो आपको टफ लगा सीजीएल के लेवल का, क्या क्या लगा? नहीं देखिए, एक एवरेज का क्वेश्चन था, टफ नहीं लेकिन थोड़ा लेंदी था ये, हाँ थोड़ा कंफ्यूज, टाइम टेकिंग था, हाँ, और एक स्टूडेंट को फंसाने के लिए एक था ये ग्राफ वाला था, उसमें डाटा इंटरप्रेशन, हाँ बस। अच्छा, ये बात करते हैं जीके जीएस के, तो उसमें कैसे कैसे सवाल आए थे? जीके जीएस वही घराना वाला था और संगीत घराना से, कितने सवाल थे? मुझे लगता है 4 के आसपास थे, 4-5 सवाल थे। कुछ सवाल आपको याद है? लच्छू महाराज के बारे में पूछा था, और फिर पूछा था एक लता मंगेशकर अवार्ड के बारे में पूछा था, फिर पूछा था वही तबला वादक है, तबला वादक है उनके बारे में पूछा था। अच्छा, इसके अलावा और क्या पूछा गया था? नृत्य से क्या सवाल थे? नृत्य से था वो एक एमपी का एक नृत्य था वो, और एक था गुलाबो कुछ करके नाम है उनका वो। अच्छा, ये बताइए कि अवार्ड एंड ऑनर्स क्या सवाल थे? अवार्ड एंड ऑनर में बस वही था लता मंगेशकर। स्पोर्ट्स से क्या सवाल था? स्पोर्ट्स से एक था फीफा वर्ल्ड कप के बारे में था, एक ही था। करेंट से और कुछ था? करेंट से एक स्कीम के बारे में पूछा। कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा गया। आइए पास में ही ना सबसे पूछेंगे। कैसा रहा आपका एग्जाम? पेपर बढ़िया था, जैसे एंटोनिम सिनोनिम सब सब आया था। सिनोनिम से एंटोनिम से मैं हारमोनिका आया था, और एक आइडियम्स आया था। आइडियम क्या था? आइडियम याद है क्या? आइडियम कौन सा? द एप्पल वन साइज, इस तरह का कुछ था क्वेश्चन, एप्पल ऑफ वन साइज। अच्छा, ये बताइए कि इंग्लिश में और कैसे कैसे सवाल थे? पैसेज कैसा था? पैसेज क्लोज टू चेक था, वो अच्छा था, ठीक माने। किस टॉपिक पे था? बड़ा था मेडिकल में, टेक्नोलॉजी का, जैसे मेडिकल में उसके इवॉल्व। 5 सवाल होंगे? हाँ 4 5 था। अच्छा, ये बताइए इंग्लिश में ओवरऑल कैसा था सवाल, और देखा जाए तो हम मॉडरेट बोल सकते हैं। कॉमन एरर कैसा था? कॉमन एरर ठीक था, मतलब हार्ड मॉडरेट्स और इजी के बीच में। सबसे फंसाने वाला सवाल इसमें इंग्लिश में यही होता है, कॉमन एरर। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट हार्ड था। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा अगर बात करें कि रीजनिंग के, तो कैसे सवाल थे? रीजनिंग में एक था सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो अच्छा था, बाकी सब इजी नॉर्मल था। अच्छा, बताइए इससे कितने सवाल थे? कोडिंग डिकोडिंग से कितने सवाल थे? कोडिंग डिकोडिंग से लगभग लगता है 5-6 सवाल। 5-6 कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा, सीरीज वगैरह से पास में जीके से आया था कि लच्छू महाराज किससे संबंधित है, और कौन सा नृत्य सतारा की क्या है, वो कहाँ पर मनाया जाता है, ये वाला चीज। और एक कालबेलिया आया था कि कौन सा जो नृत्य है वो कालबेलिया से संबंधित है, और आया था कि ये इस सिंपल में था कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था। ताजमहल के बारे में एक दो दिन पहले बायोलॉजी था जी, सिंपल था। अच्छा, ये बताइए मैथ का कैसे सवाल था? आइए आगे, मैथ का सिंपल था, मॉडरेट कह सकते हैं उसको। अच्छा, टफ क्या लगा मैथ में आप लोगों को? टफ मैथ उतना हार्ड नहीं था, कैलकुलेटिव होगा ना जो टाइम टेकिंग हो। कैलकुलेटिव भी नहीं था, बस 2 क्वेश्चन था, एक एवरेज का, वेट एंड एवरेज का था, और एक और था जो डीआई का था, शायद सीआई का था क्या? एक सीआई का था, हाँ वो थोड़ा कैलकुलेटिव था बस, थोड़ा कैलकुलेटिव। ऐसा ऐसे सवाल था, सीआई में था 3 इयर्स का दिया था, और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, ठीक है, तो उस इंडिविजुअल निकालना पड़ता है। तो अच्छा, ये बताइए नॉलेज का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्या सवाल थे? अच्छा, जनरल नॉलेज के कैसे कैसे सवाल थे? करेंट अफेयर्स, अच्छा बताइए, जैसे कि जो आदिवासी के लिए कुछ था ना, कि कोई अनुच्छेद वगैरह था? अनुच्छेद, हाँ अनुच्छेद नहीं था, दिया गया था कि जून 2023 तक कितना लोग, जैसे सीट है नल मैक्सिम, हाँ पूछा था लोकसभा का सीट पूछता है कि कितना था। फिर मैंगो शेयर्स के बारे में बोला था कि कौन से दो स्टेट के बीच मैंगो शेयर्स बोला जाता है,
और फिर बोल रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन से भी दो तीन गो सवाल। क्या था ये, कुछ याद है? तो ध्यान पे नहीं है। अजय बताइए, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ सवाल थे? नहीं, इकोनॉमिक से तो एक भी नहीं था। एक भी नहीं। अच्छा, नदी पहाड़ झरने, ज्योग्राफी से क्या सवाल? ज्योग्राफी से भी नहीं था। एक भी नहीं था। क्वेश्चन ना करंट अफेयर से थे और पॉलिटिकल साइंस से थे। हिस्ट्री से कुछ सवाल थे? हाँ, हिस्ट्री से भी था। कितने थे, दो तीन? नहीं, ज़्यादा थे, उससे ज़्यादा थे, ज़्यादा थे। और ये बताइए कि कुछ आपको याद है हिस्ट्री किसके बारे में पूछा गया था? फेमस प्लेसेस के बारे में, मंदिर के बारे में, हिस्टोरिकल साइट्स? कुछ हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में पूछा गया था, जैसे ताजमहल किसने बनाया, ये भी क्वेश्चन था। शाहजहां ने बनाया है, तो ये एक क्वेश्चन था। और भी दो तीन क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ सवाल था, जनजाति के वगैरह बारे में? ट्राइबल पीपल के बारे में क्वेश्चन था। कितने थे? दो ट्राइबल पीपल से तो दो रिलेटेड क्वेश्चन था। और डांस वगैरह के रिलेटेड कुछ, ट्राइबल डांस? हाँ हाँ, डांस एक डांस नहीं नहीं जो क्या बोलते हैं, फ्लूट के बारे में था, संगीत के बारे। हाँ, संगीत के बारे में कि कौन, मतलब चूज करना था कि कौन से इसमें से वो म्यूजिशियन है जो ये फ्लूट बजाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा बुक एंड ऑथर से क्या था? अब सर इतना डिटेल में नहीं याद है। इंग्लिश चार अगर सेक्शन कम ये कंपेयर करें तो सबसे टफ आपको क्या लगा? मेरे अनुसार मुझे मैथ लगा। मैथ लगा। और आसान क्या लगा? रीजनिंग और करेंट अफेयर। ये बताइए कि मैथ में टफ क्या लगा आपको, कुछ बताइए? परसेंटेज एक दो क्वेश्चन थे और फिर शायद CISA का भी एक क्वेश्चन था जो नहीं, थोड़ा कैलकुलेटिव था ये सब। और मल्टीप्लिकेशन वगैरह था कुछ? हाँ, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन था, एक था। हाँ, SCF LCM? हाँ, वो भी था, एक था। एज निकालने वाला था क्या? नहीं, एज से रिलेटेड क्लॉक वगैरह से थे, क्लॉक से, कैलेंडर से, उससे भी? टाइम एंड डिस्टेंस ज़्यादातर थे, नहीं इससे थे, ट्रेन से थे, ट्रेन से क्वेश्चन थे। और उससे परसेंटेज से ज़्यादातर था, डिस्काउंट का क्वेश्चन था, डिस्काउंट रिलेटेड। और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन था, लेकिन एज प्रॉब्लम से नहीं था। ज़्यादा टफ आपको इसमें किस किस सेक्शन में लगा, ये बताइए? मैथ्स में सही वाले से, और एक परसेंटेज के एक दो क्वेश्चन था जो थोड़ा लेंदी था। हाँ, ज़्यादा कंपेयर करना। हाँ, ओके। तो ये थी हमारी थर्ड शिफ्ट की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। और भी सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट का भी वीडियो आज डाला गया है, और भी अदर डेज के वीडियोज आपको मिल जाएंगे। इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।